आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपना लोकेशन किसी भी पर्सन के साथ कैसे शेयर करेंगे। अगर हमको कोई भी अपना लोकेशन शेयर करता है तो हम उसको कैसे ट्रेस करेंगे, कैसे देखेंगे, इसका मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो में पर डे अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ कि कैसे आप किसी के साथ अपना लोकेशन शेयर करेंगे, अगर आपको कोई अपना लोकेशन शेयर करता है तो उसको आप कैसे देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। Shut up and sit down. किसी भी पर्सन के साथ अपना लोकेशन शेयर करने के लिए दो तरीके होते हैं। इसके लिए पहले है कि आप व्हाट्सएप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जिस किसी भी कॉन्टैक्ट के साथ आप अपना लोकेशन शेयर करना चाहते हैं उसको ओपन कर लेंगे। जैसे मैं इसको इससे शेयर करना चाहता हूं, इसको ओपन कर लिया हूँ। यहाँ फाइल्स वाला है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है लोकेशन का, लोकेशन वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर आप अलाउ कर देंगे परमिशन। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ सेंड योर करंट लोकेशन और यहाँ पे आपको मिल जाता है शेयर लाइव लोकेशन। यहाँ सेंड योर करंट लोकेशन मतलब ये हुआ कि आप जिसी किसी के साथ भी आप अपना लोकेशन शेयर करना चाहते हैं और जितना देर तक आप दिखाना चाहते हैं कि हम इतना देर तक आपके साथ करंट लोकेशन रह सकते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम लाइव लोकेशन दिखाएं उस पर्सन को तो यहाँ शेयर लाइव लोकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ कंटिन्यू वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप टाइमिंग से को यहाँ सेट कर लेना है कि कितने टाइम तक आप उसको दिखाना चाहते हैं कि हम लाइव हैं, तो वो यहाँ पे 15 मिनट 1 आवर और 8 आवर्स आपके यहाँ पे है। जितना देर दिखाना चाहते हैं इस तरीके से आप उस पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम 1 आवर दिखाना चाहते हैं और यहाँ पे आप कमेंट वगैरह भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गार्ड डाल देता हूँ गुड, इस तरीके से आपको कुछ भी डाल देना है। यहाँ मैं इमोजीज भी डाल देता हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पर सेंड कर दूँगा। और यहाँ पर देखिए कि ये जो पर्सन है इसके साथ मेरा लोकेशन यहाँ पर शेयर हो चुका है। अगर वो पर्सन आपको अगर अपना लोकेशन शेयर करेगा व्हाट्सअप से तो आपको यहाँ पे कुछ ये जो पिक दिख रहा है व्हाट्सअप को कोई शेयर करेगा तो आपको इसी तरीके से आपको नज़र आएगा। तो अगर आपको कोई शेयर करता है तो उसको आप इस पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर आप इस पर्सन से चाहते हो कि हम जो है स्टॉप कर दे शेयरिंग, उसको नहीं दिखाए, तो यहाँ से आप उस पर्सन को स्टॉप करके अपना लोकेशन नहीं दिखा सकते हो। अगर कोई आपको आपके साथ लोकेशन शेयर करता है व्हाट्सअप से तो इस पे क्लिक करके इसको आप देख सकते हो। इस तरीके से बड़ा करके आप इसको देख सकते हो कि ये जो पर्सन है अभी कहाँ पर है, और जितने टाइम तक ये पर्सन सेट किया रहेगा अपना टाइमिंग उतने ही टाइम तक आप देख सकते हैं। इसके बाद ये ऑफ हो जाएगा, इसके बाद आप इसको नहीं देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आपको आप डेट जस्ट नाउ पर क्लिक कर यहाँ पे कर सकते हैं। इसको इस तरीके से यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो रहा है और इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो है स्टॉप शेयरिंग है, आप इस पर स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक करके इसको पे स्टॉप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको आप और इस पर्सन के बीच में कितनी मीटर की दूरी है तो वो भी यहाँ पर आपका शो कर रहा है। सो इस तरीके से इस पर्सन से आप देख जो अपना लोकेशन शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर अपना लोकेशन आप स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना लोकेशन स्टॉप भी कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप अपना लोकेशन स्टॉप कर देंगे फिर से आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले दिखाई दे रहा था मेरा, अब मेरा यहाँ से गायब हो चुका है क्योंकि मैं जो है अपना लोकेशन यहाँ पे बंद कर चुका हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका लोकेशन से हट जाएगा। तो ये होता है आप किसी के साथ अपना लोकेशन शेयर करने का। चलिए मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ कि आपका गूगल मैप जहाँ भी होगा उसको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको बिंदी मिल रहा होगा व्हाइट वाला, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर यू आर हियर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाता है, सी नियर बाय प्लेसेस मतलब आपके अगल बगल में कोई ऐसा जगह है जहाँ पर आप उसको बता सकते हैं अगले वाले पर्सन को कि हम वहाँ पर हैं, तो वो वाला प्लेसेस आप यहाँ से बता सकते हैं। दूसरा है शेयर योर लोकेशन, इस शेयर योर लोकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप टाइम सेट करना कर लीजिए कि कितना टाइम तक अगले को आप दिखाना चाहते हैं। मैं अगला के दिखाना चाहता हूँ कि मैं इतने टाइम तक हूँ, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से मैं 1 आवर सेट कर लेता हूँ। आप यहाँ प्लस वाले करके यहाँ बढ़ा सकते हैं, माइनस वाला कर पे आइकन पर क्लिक करके इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं। मैं 1 आवर कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप तरीका आपको चूज कर लेना है कि कौन से तरीके से आप जो अपना लोकेशन शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं मैसेंजर है,
जीमेल है, नियर शेयर है, और यहाँ पे अब कीप नोट्स है, क्लाउड है, ईमो है, फाइल है, शेयरिट है, भीटमेट है, व्हाट्सएप है, और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ है, और यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। जिससे भी अपना लोकेशन शेयर करना चाहते हो उसको चूज कर लीजिएगा। जैसे मैं व्हाट्सएप के थ्रू अपना लोकेशन शेयर करना चाहता हूँ तो मैं व्हाट्सएप पर क्लिक करूँगा। व्हाट्सएप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ परमिशन मांगेगा, यहाँ पर आपको टर्न ऑन कर देना है अपना लोकेशन इस तरीके से। यहाँ पर देखिए लोकेशन टर्न हो चुका है, और यहाँ पर देखिए ये लोकेशन यहाँ पर टर्न हो चुका है। जिसके साथ भी अपना लोकेशन शेयर करना चाहते हैं उससे आप संपर्क कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ गुरुजी वाले पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ सेंड कर देता हूँ। इस तरीके से आप अपना लोकेशन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। अगला आपको जो भी पर्सन जो अपना लोकेशन गूगल मैप से सेंड करेगा वो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उस पर्सन को आप देख सकते हैं यहाँ से कि वो आपको कहाँ पे है और आपसे कितनी दूरी पे है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वो जो है पर्सन जो है 17 मिनट एगो यहाँ पर था और अभी भी यहाँ पे लाइव ही है। इसके साथ यहाँ पे शेयर योर लोकेशन पे क्लिक करके अपना लोकेशन यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। डायरेक्शन पे क्लिक करके आप डायरेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि आप और उसके बीच की दूरी कितने दूर की है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 मिनट की दूरी है, और ये डायरेक्शन है। स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप स्टार्ट करके देख सकते हैं कि आप इसके रूट है, जो रूट आप कैसे जा सकते हैं। इस तरीके से मिल जाता है यहाँ गाड़ी का, यहाँ टू व्हीलर का है, बाइक का है, बस का है, पैदल है। तो इस तरीके से देखें 0 मिनट में पहुँच सकते हैं, और बाइक से 4 चक्का से जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं तो 1 मिनट में लगेगा। तो अपने बाइक पे अपने मोटरसाइकिल पर बैठेंगे इस तरीके से आपको बताता भी रहेगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि एरो का निशान है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता होगा यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है डायरेक्शन का, डायरेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे हेड है, और यहाँ पर टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, और आपको जो भी डायरेक्शन है यहाँ पे आपको 5 मिनट में यहाँ इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके से आप अपना जो भी पर्सन है उस पर्सन तक पहुँचने के लिए आप कैसे जाना है आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं इस पे क्लिक करके। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे आप किसी भी पर्सन के से मिल सकते हैं अपना लोकेशन को शेयर करके। कोई आपका फ्रेंड वगैरह हो अगर आपसे मिलना चाहता है तो आप इस तरीके से गूगल वाला ऑप्शन जो है इसको ओपन करेंगे, और बहुत ही आराम से आप उस पर्सन से आप मिल सकते हैं जिससे आप मिलना चाहते हैं। तो आपको कोई किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बस आप गूगल मैप खोलेंगे, और गूगल मैप खोलने के बाद उसमें आपको खुद डायरेक्ट बताता रहेगा। यहाँ स्पीकर का ऑप्शन है, यहाँ स्पीकर से भी आपको बोलता रहेगा, और बहुत ही आराम से उस पर्सन से आप मिल सकते हैं। तो गाइस, अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ।